नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। अगर आप मथुरा वृंदावन की यात्रा करने की सोच रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपको इस यात्रा के दौरान किन किन स्थानों को, किन किन मंदिरों को देखना चाहिए, तो आज हम आपको मथुरा वृंदावन की यात्रा के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको लेकर चलेंगे उन सभी फेमस प्लेसेस और मंदिरों की ओर जो कि आपको इस यात्रा के दौरान ज़रूर देखने चाहिए, और उन सभी मंदिरों को और उन सभी स्थानों को अच्छे से दिखाएंगे जिससे कि आपको घर बैठे ऐसा लगेगा कि आप हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। और इसी के साथ हम आपको जानकारी भी देंगे कि कैसे आप मथुरा वृंदावन की यात्रा के लिए प्लान कर सकते हैं, किस तरह से आप यहां तक पहुंच सकते हैं, और यहां पर स्टे फैसिलिटीज़ और फूड फैसिलिटीज़ किस तरह की अवेलेबल है, यानी कि आप कम बजट के साथ कहां पर अच्छे से रुक सकते हैं, कहां पर आपको अच्छा भोजन उपलब्ध हो जाएगा कम दामों के साथ, ये जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि आपको इस यात्रा के दौरान कितने दिनों की आवश्यकता होगी, कितने दिन में आप इस कंप्लीट यात्रा को कर सकते हैं। तो ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं इस यात्रा को। इस यात्रा के दौरान जिन स्थानों को हम एक्सप्लोर करेंगे वे कुछ इस तरह से होंगे कि सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे वृंदावन, और वृंदावन में भी हम स्टार्टिंग करेंगे प्रेम मंदिर के साथ, जो कि वृंदावन के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है। प्रेम मंदिर के बाद हम चलेंगे इस्कॉन टेम्पल के लिए, जिसे श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस्कॉन टेम्पल के बाद हम चलेंगे श्री कृष्ण प्रणामी परम धाम, जिसे कांच के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम चलेंगे निधिवन, जो कि एक चमत्कारिक स्थान है जहां पर आज भी भगवान श्री कृष्ण रास लीला करने आते हैं। निधिवन के बाद हम चलेंगे गोविंद देव जी के मंदिर के लिए, जो कि एक ऐतिहासिक मंदिर है। इसके बाद हम चलेंगे बांके बिहारी मंदिर के लिए, जो कि वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। और फिर वृंदावन को देखने के बाद हम चलेंगे मथुरा की ओर, और मथुरा में सबसे पहले हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थली मंदिर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्मस्थली मंदिर को देखने के बाद हम चलेंगे विश्राम घाट के लिए, और वहां से चलेंगे कंस किले को देखने के लिए, जहां पर राजा कंस रहा करता था। कंस किले को देखने के बाद हम चलेंगे बिरला मंदिर के लिए, जिसे गीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और फिर मथुरा के प्रमुख स्थानों को देखने के बाद हम चलेंगे गोकुल के लिए, जहां भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। गोकुल के बाद हम चलेंगे बरसाना के लिए, जहां राधा रानी का घर हुआ करता था। बरसाना के बाद हम चलेंगे नंदगांव, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे परिवार के साथ लगभग 9 साल रहे थे। नंदगांव के बाद हम चलेंगे गोवर्धन परिक्रमा के लिए, जिनकी परिक्रमा करते हुए हम कई सारे मंदिरों के दर्शन भी करेंगे। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं वृंदावन से, जिसका डिस्टेंस मथुरा से लगभग 10 किलोमीटर का है। और वृंदावन में सबसे पहले हम देखेंगे प्रेम मंदिर। तो अब हम पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर के मुख्य द्वार के सामने, और आप यहां देख पा रहे होंगे कि अंधेरा होता जा रहा है और रात्रि निकट आती जा रही है, और मंदिर में जो लाइटिंग है वो जलना शुरू हो चुकी है। कुछ देर में ये जो लाइटिंग है पूरे मंदिर में जला दी जाएगी, और उसके बाद जो आप नज़ारा देखेंगे प्रेम मंदिर का वो कुछ अनूठा ही होगा। और मंदिर के पास में एक बहुत सुंदर झांकी बनी हुई है, जो कि है कालिया देखी। ये कालिया नाग है, जिसके पास उनकी पत्नियां श्री कृष्ण से हाथ जोड़े हुए खड़ी हैं, और ये सभी लोग गांव वाले हैं जो कि इस दृश्य को देख रहे हैं। इस तरह का दृश्य बनाया गया है। ये देखिए, ये है कालिया दे, और इनके ऊपर हैं श्री कृष्ण जो कि नृत्य कर रहे हैं। तो अब चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और करते हैं भगवान के दर्शन। लेकिन अंदर जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी वृंदावन आएँ और आपका मन हो प्रेम मंदिर में आने का, यहाँ पे दर्शन करने का, तो शाम का वक्त चुनिएगा, क्योंकि उस दौरान जो नज़ारा होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो अब हमने मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया है। मंदिर बाहर से जैसा सुंदर लग रहा था, उससे कई गुना सुंदर ये अंदर से नज़र आता है। यहाँ पर आपको राधा कृष्ण की प्रतिमा नज़र आएगी, और यहाँ से आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और ये जो द्वार आप अपने सामने देख पा रहे हैं, यह है प्रेम मंदिर का मुख्य द्वार, जो कि हम प्रेम मंदिर की दूसरी मंजिल के ऊपर से देख रहे हैं।
तो अब हम मंदिर में दर्शन करके बाहर की ओर आ चुके हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि रात के समय प्रेम मंदिर का जो दृश्य है वो सच में देखने लायक होता है। प्रेम मंदिर बहुत सुंदर नजर आता है रात के समय। तो आप यहाँ से देखिए, आपको कृष्ण लीलाओं की अलग अलग 3D पेंटिंग्स नजर आएंगी जिसपे अलग अलग तरह से रोशनी डाली गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे दिव्य महाराज का सीन है, यहाँ पर आप देखेंगे श्री कृष्ण मिलन का सीन बनाया हुआ है और आगे भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो कि हम देखते हैं आगे चलकर। इस दृश्य में हमें राधा रानी के संग श्री कृष्ण नजर आ रहे हैं कई सारी गोपियों के साथ, और अगले दृश्य में हमें वापस से दिव्य रासलीला नजर आती है जिसमें श्री राधा कृष्ण के साथ कई सारी गोपियां हैं और भी कई सारी पेंटिंग्स हैं, कई सारी 3D आर्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ के खंभों पर, दीवारों पर नजर आएंगी जो सच में देखने लायक हैं। तो चलिए अब मंदिर से थोड़ा सा पीछे हटकर देखते हैं ताकि हमें मंदिर पूरी तरह नजर आए और हम इस मंदिर को अच्छे से निहार सकें। देखिए मंदिर का जो कलर है, जैसे कि आप बार बार देख पा रहे होंगे, जो लाइटिंग्स की वजह से इसका कलर है वो बार बार बदलता रहता है, जिस वजह से इस मंदिर का जो खूबसूरती है वो और अच्छे से निखर कर आती है। जैसे कि अभी ब्लू कलर में ये बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन प्रेम मंदिर परिसर में मंदिर के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए, जैसे कि लाइट शो। ये जो आप अपने सामने प्रतिबिंब देख पा रहे होंगे, जो आपको टीवी जैसी आकृति नज़र आ रही है, ये एक तरह का लाइट शो है। इसमें आपको अलग अलग भजन चलते हुए नज़र आएंगे। ये जो स्क्रीन है ये पानी के फव्वारों से बनाई गई है। तो चलिए अब चलते हैं इस झांकी की तरफ, जो कि आपने कई बार देखी होगी, कई फ़ोटोज़ में, कई मूवीज़ में देखी होगी, जो कि है गोवर्धन पर्वत की। बेशक आपको इसकी स्टोरी पूरी तरह पता होगी, लेकिन ये जो झांकी बनाई गई है ये बिल्कुल एक लिविंग झांकी है, यानी कि आप इसको चलित झांकी बोल सकते हैं। बहुत सुंदर ये झांकी बनाई गई है, बहुत बड़ा सा गोवर्धन पर्वत है। यहाँ से तो देखने में थोड़ा सा छोटा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये जो झांकी है वो बहुत बड़ी है। इसके पास चलते हैं और इसको पूरी तरह से देखने की कोशिश करते हैं। वैसे यहाँ से भी नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है, कई सारे लोगों के बीच में हम खड़े हुए हैं, कई सारे श्रद्धालु हैं जो हमारे आसपास से जा रहे हैं, हम उनके पास से जा रहे हैं, और काफ़ी अच्छा ये सीन लग रहा है। तो अब हम पहुँच चुके हैं झांकी के पास में, और अब यहाँ से आप देखिए ये जो फव्वारे बह रहे हैं, जिस तरह से जब गोवर्धन से पानी गिर रहा था लगातार, उसी तरह का ये सीन बनाया गया है। और आप ये देखिए नीचे की ओर पानी गिरता जा रहा है, और यहाँ भगवान कृष्ण अपने एक उंगली पर पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं। कई सारे ग्वाले, गोपियाँ इसके नीचे शरण लिए हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। इस मंदिर के तो पेड़ पौधे भी आपको राधा नाम लिए हुए नज़र आएंगे। राधा कृष्ण, कृष्ण राधा, हर पेड़ पौधे में एक अलग ही डिज़ाइन बनाई गई है जिसमें कि आपको राधा कृष्ण लिखा हुआ नज़र आएगा। तब हम पहुंच चुके हैं कुछ और झांकियों की तरफ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और कई सारी स्टोरीज़ का वर्णन किया गया है। इस सीन में, इस झांकी में आपको राधा कृष्ण नज़र आएंगे कई सारी गोपियों के साथ, जिसमें कि एक गोपी ने अपने हाथ में ढपली ले रखी है। कई गोपियां आप यहां पर नृत्य करती हुई नज़र आएंगी, कई यहां पर खड़ी होकर कुछ गा रही हैं, और ये सीन बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको सच में ये सीन देखकर काफ़ी हर्ष महसूस होगा। तो चलिए अब आगे की झांकी की ओर चलते हैं। काफ़ी सारी पब्लिक यहां पर हमारे बीच में नज़र आ रही है, जो कि सभी झांकियों को यहां पर देख रही हैं। वैसे ये मंदिर सच में अगर आप आते हैं तो आपको बहुत खुशी होगी, और इस मंदिर में आने के बाद आपको लगेगा कि भाई कुछ देखा हमने, आज कुछ दर्शन किया, आज कुछ नया देखा। यहाँ पर आपको इस झांकी में नज़र आ रहे हैं राधा कृष्ण कई सारी गोपियों के साथ, लेकिन ये सीन कुछ अलग तरह का है, जिसमें आपको राधा कृष्ण गोपियों के संग कुछ खेल खेलते हुए नज़र आएंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं और अगली झांकी को निहारते हैं। यहाँ पर भी आपको राधा कृष्ण और कई सारी गोपियाँ नज़र आएंगी। देखिए इस मंदिर का जो मेन थीम है वो है प्रेम, इसी वजह तो इस मंदिर का नाम प्रेम मंदिर रखा गया। यहाँ पर आपको राधा कृष्ण और कई सारी गोपियाँ नज़र आएंगी एक अलग ही अंदाज में, जिसमें बारिश का सीन है और जो गोपियाँ हैं वो राधा कृष्ण को
पानी की बौछारों से बचा रही हैं। अब इन झांकियों के पीछे से देखिए प्रेम मंदिर को, एक बहुत ही खूबसूरत नजारा हमारे सामने नजर आ रहा है। तो चलिए चलते हैं अंग्रेजों के मंदिर के अंदर। इस मंदिर का असल नाम श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर है। वैसे ये मंदिर आपको बाहर से देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इस मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, आप कृष्ण भक्ति में मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपको यहाँ कुछ ऐसा नजर आएगा जो शायद आपने कहीं और नहीं देखा होगा, क्योंकि इस मंदिर का नाम अंग्रेजों का मंदिर रखा है, तो आखिर इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह तो होनी चाहिए। आप यहाँ मंदिर के अंदर देखेंगे कुछ ऐसे लोग जो विदेशी हैं, जिन्हें हम अंग्रेज बोलते हैं, वो कृष्ण भजन गाते हुए नजर आएंगे। और भजन कुछ ऐसे वैसे नहीं, बहुत ही स्पेशल तरीके से गाते हुए भजन नजर आएंगे, जैसे कि कोई प्रोफेशनल आदमी गा रहा हो। जैसे कोई हिंदू आदमी जब भजन गाता है तो वो पूरी तरह लीन हो जाता है साधना में, उसी तरह से आपको यहाँ पर अंग्रेज भजन गाते हुए नजर आएंगे, जो कि आपको कहीं और शायद देखने न मिले। इस जगह से आप इस मंदिर को देखिए, कितनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है, कितनी अच्छी डिजाइन है जो कि आप इस मंदिर में देख पाएंगे, जो कि शायद आपको मंदिर के बाहर से नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन यहाँ से आप देखिए मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अब हम लोगों ने मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया है और यहाँ से हमें एक अलग ही नजारा नजर आ रहा है, जिसमें श्रद्धालु नाचते गाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और यहीं से हम भगवान के दर्शन बड़े आराम से कर सकते हैं। जो पहली प्रतिमा आप देख रहे हैं वो है कृष्ण बलराम की, जहां से हम बहुत अच्छे से भगवान के दर्शन कर पाएंगे। और अब आगे चलते हैं तो आगे हमें राधा कृष्ण की जो प्रतिमा है वो नजर आती है, राधा रानी और भगवान कृष्ण की ये प्रतिमा है। और आगे देखें तो हमें भगवान के साथ स्वामी जी की प्रतिमा नजर आती है, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो अब समय आ चुका है कि हम वो नज़ारा देखें जो कि इस मंदिर को एक अलग ही पहचान देता है। अब हम देखने वाले हैं उन विदेशी लोगों को जो कि भगवान श्री कृष्ण के भजन गा रहे हैं। फिलहाल अभी हम देख रहे हैं अंग्रेजों के मंदिर का अंदरूनी हिस्सा 360 व्यू में, कि अंदर से मंदिर कितना खूबसूरत नजर आता है। यहाँ मंदिर में ही एक स्थान है जहाँ पर स्वामी जी की एक प्रतिमा बनी हुई है, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और मंदिर के पीछे की तरफ चलें तो हमें उनकी जो स्टोरी थी वो एक अलग ही 3D फॉर्म की पेंटिंग में नजर आती है, जो कि काफी अच्छी लगती है। यहाँ पर हमें एक विदेशी महिला नजर आती है जो कि हरे रामा हरे कृष्णा भजन गा रही है। स्कॉन टेम्पल को देखने के बाद अब हम आ चुके हैं श्री कृष्ण प्रणामी परम धाम में, जिसे कांच के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर। देखिए मंदिर के अंदर एंटर होते ही बहुत ही सुंदर सा नज़ारा नज़र आता है। पूरा का पूरा मंदिर, जैसा कि नाम है कांच का मंदिर, उसी तरह से कांच का बना हुआ है ये पूरा मंदिर। जितनी भी कलाकारियां हैं, जितनी भी पेंटिंग्स आपको इसके दीवारों पर नज़र आएगी, सारी की सारी पेंटिंग, सारी की सारी कलाकारी कांच की बनी हुई है। सभी पेंटिंग्स और सभी तरह की कलाकारी कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को एक पैटर्न में फॉर्म करके ये सारी कलाकारियाँ बनाई गई हैं। जितनी भी आपको यहाँ पर खूबसूरती नज़र आ रही है वो सारी की सारी कांच के टुकड़े हैं, जिनको छोटे छोटे पार्ट्स में काट करके या डिज़ाइन में बना करके इस मंदिर का निर्माण किया गया है। तो चलिए अब इस मंदिर की जो भी सुंदरता है, जो कारीगरी है, उसे ज़रा बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस कांच की तस्वीर से। इसमें उस पल को दिखाया गया है जब वासुदेव जी श्री कृष्ण को नंद बाबा को सौंप रहे हैं। अब इसी के पास आ जाती है एक और दूसरी तस्वीर, जिसमें श्री कृष्ण कंस का वध करते हुए नजर आते हैं। कंस का वध इस तस्वीर में दिखाया गया है।
इस अगली तस्वीर में यशोदा माँ के साथ श्री कृष्ण नजर आ रहे हैं माखन के साथ। अगली तस्वीर जो हमारे सामने आ रही है वो है जब श्री कृष्ण और बलदेव जी माखन चुरा कर खा रहे हैं। तो अब हम आ चुके हैं मंदिर की मुख्य जगह जहाँ पर राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ से हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं और बोलेंगे हम सभी में एक साथ, बोलो राधे कृष्ण राधे राधे। तो चलिए मंदिर परिसर से बाहर निकलते हैं और मंदिर के बाहर ही एक बहुत अच्छी गुफा है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर झांकियां बनाई हुई हैं भगवान की। तो उनको देखते हैं, दर्शन करते हैं। सच में ये जो झांकियां हैं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए गुफा के अंदर एंटर करते हैं। देखिए गुफा के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले हमें भगवान श्री कृष्ण और उनके माता पिता नज़र आते हैं और फिर हम आगे चलें तो हमें जो वासुदेव जी हैं वो श्री कृष्ण को एक थोबली में रखे हुए ले जाते हुए नज़र आते हैं। ऊपर शेषनाग नज़र आता है और नीचे यमुना जी नज़र आती हैं जो कि बहुत उफान पे चल रही हैं। अगली झांकी में हमें शिव जी और उनके सामने माँ यशोदा के हाथ में कान्हा जी नज़र आते हैं और फिर गुफा में आगे बढ़ते ही हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी झांकी नज़र आती है जो कि है बकासुर वध की। इसमें एक बगुले का रूप धारण करके एक राक्षस आया था जो कि श्री कृष्ण को मारने के लिए आया था, तो श्री कृष्ण ने उसका वध किया, वो सीन इसमें दिखाया गया है। आगे चलें तो हमें एक और इंटरेस्टिंग सा सीन नज़र आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा का पूरा ब्रह्मांड पूरा विश्व अपने मुंह में दिखाया था। तो अब ग्लास टेंपल को देखने के बाद हम आ चुके हैं निधिवन के लिए। तो चलिए प्रवेश करते हैं निधिवन के अंदर। ये जो द्वार आप अपने सामने देख पा रहे होंगे ये है निधिवन का प्रमुख द्वार। निधिवन के अंदर काफी सारे मंदिर भी हैं जो हम अंदर जाकर देखेंगे। निधिवन में प्रवेश करने से पहले हमें अपने जूते चप्पल बाहर की ओर ही खोलने होते हैं। चाहें तो आप जूते चप्पल के लॉकर में अपने जूते चप्पल जमा करा सकते हैं सेफ्टी के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह है निधिवन। यहाँ भगवान आज से 6000 वर्ष पहले 16108 गोपियों के साथ में रास करते थे महाराज। आज भी इसमें भगवान आते हैं रात्रि में रास करते हैं। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, झूठा समझते हैं, देखने के लिए छुप के रह जाते हैं झाड़ी में, वो अंधे लूले लंगड़े बहरे पागल हो जाते हैं, मर जाते हैं। मर गए उनकी वहाँ समाधि बनी है। जितना भी सफाई देख रहे हैं भक्त लोग झाड़ू लगाते हैं, कर्मचारी नहीं, जिनके यहाँ नौकर काम करते हैं स्वयं झाड़ू लगाते हैं। रात्रि के 10 बजे के बाद सब लोग यहाँ से निकल जाते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु मोर बंदर पुजारी लोग। सामने एक मंदिर है, उसमें एक लोटा जल नीम का दांतन चार लड्डू रख के जाते हैं, 7 ताले लगते हैं, आरती होती है, जल फैला दांतन चली लड्डू फूटा हुआ मिलता है। इसी जंगल में स्वामी हरदास जी ने तपस्या किया 12 वर्ष। उनकी तपस्या के बल से यहाँ से बिहारी जी प्रकट हुए जो मेन मंदिर में दर्शन करेंगे। आजू बाजू में मकान बने जो म्यूजिक का घोरों का आवाज़ सुनाई पड़ता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबको म्यूजिक का घोरों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। देखिए जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं ये है निधिवन का रास्ता। देखिए पूरा का पूरा जो रास्ता है वो निधिवन से घिरा हुआ है। अंदर आप देखेंगे वन के अंदर तो आपको वृक्ष नजर आएंगे और ये वृक्ष सारे एक ही तरह के पौधे हैं जो कि है जंगली तुलसी के। ये जो वृक्ष हैं आपस में लिपटे हुए होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो वृक्ष हैं एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। अलग ही तरह के पौधे हैं जो आपको शायद कहीं और दिखाई नहीं देंगे। अब हम जा रहे हैं निधिवन के बहुत ही चमत्कारी मंदिर की तरफ जहां भगवान रोज भोग लगाते हैं जिसका प्रमाण सुबह मंदिर के पट खुलने पर मिलता है। यहां एक लोटा जल नीम का दांतुन चार लड्डू रखे जाते हैं, 7 ताले लगते हैं, आरती होती है, जल फैला दांतुन चबी हुई लड्डू फूटा हुआ मिलता है। अच्छा आज भी भगवान आते हैं भोग लगाते हैं। रास मंडल है, यहाँ रास करते हैं भगवान आज भी। जिन्होंने विश्वास नहीं किया छुप कर रह गए मर गए, उनकी समाधि बनी है उधर उधर बनी है और सामने बनी है इधर बनी। तो देखिए ये है वो चौक, ये जगह जहां भगवान श्री कृष्ण आज भी रास करते हैं और ये है वो निधिवन। और यहाँ पर पास में ही समाधियाँ बनी हुई हैं उन लोगों की जो कि रात को छुप करके इस रास लीला को देखने आए। उनके अंदर जिज्ञासा आई होगी कि क्यों ना हम भगवान के दर्शन कर लें या देख लें, और जो लोग देखने आए
उनकी समाधियाँ यहाँ पर बन चुकी। ये देखिए वो लोगों की समाधियाँ हैं जो कि यहाँ पर छुप कर देखने आए और जीवित न रह सके। निधिवन में एक और मंदिर है जहाँ पर आपको राधा रानी बंसी बजाते हुए नजर आएंगी। इस मंदिर का नाम है बंसी चोरी राधा रानी। अब हम आ चुके हैं वृंदावन में स्थित गोविंद देव जी के मंदिर को देखने के लिए। ये जो मंदिर है बहुत ही पुराना है। इसका आर्किटेक्चर आप अंदर से भी देखेंगे तो आपको एक अलग ही कलाकारी इसमें नजर आएगी। बहुत विशाल और भव्य मंदिर है जिसकी जो कारीगरी है बहुत पुराने टाइम की है और इसमें राजपूती शैली का आपको कहीं ना कहीं वर्णन नजर आएगा। इस मंदिर की जो दीवारें हैं, जो खंभे हैं, जो स्तंभ हैं, वो बहुत ही मजबूती से बनाए गए हैं। इस मंदिर की जो छत है वो काफ़ी ऊंचाई पर है और ये जो मंदिर का जो हाइट है टोटली, जो हम कहेंगे ग्राउंड लेवल से ऊपर तक का, वो बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। और ऊपर की तरफ भी आप देखेंगे तो बहुत सुंदर कारीगरी आपको नजर आएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए एक बहुत सुंदर सा फूल बनाया गया है इस मंदिर की छत के ऊपर, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। इस मंदिर के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो अब हमें हमारे गाइड साहब बताने वाले हैं, तो आप भी उसे जरा ध्यान से सुनिए। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस मंदिर का नाम है गोविंद देव मंदिर। अच्छा। इस मंदिर को बनाया था राजा मान सिंह ने जी, जयपुर वालों ने। अच्छा अच्छा। 1590 में। अच्छा अच्छा। 428 साल पुराना मंदिर है ये। और राजा के समय में ये 7 मंजिल का था। उस समय 50 किलो गाय का देसी घी का दीपक जलता था दीपावली वाले। अच्छा। उसका उजाला रोशनी जाती थी आगरा। आगरा में रहता था औरंगजेब मुसलमान, उसको हिंदू मंदिरों से नफरत थी। यहाँ आके 4 मंजिल ऊपर से तोड़ दिया, पत्थर को ले जाके मथुरा मस्जिद में लगा दिया। असली मूर्ति को असली मूर्ति का दर्शन जयपुर में अभी आप दर्शन करेंगे। ये मूर्ति 150 साल पहले दूसरा स्थापना हुआ। असली मूर्ति औरंगजेब को नहीं मिली तो भेंट में मूर्तियाँ हैं पत्थर की, उनको तोड़ने खंडित कर दिया मंदिर को। अच्छा। लाल पत्थर का बना हुआ है प्राचीन मंदिर है गोविंद देव जी, दर्शन करेंगे फिर बताएंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं वृंदावन के एक और प्रसिद्ध मंदिर की ओर, जो कि हनुमान जी का मंदिर है। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। हनुमान जी ने हजारों शेरों की आवाज निकाली, वो डर के भाग्य सेना को लेकर तो नाम बढ़िया सिंह को हनुमान शेर होता है दर्शन। ये तब की बात है जब औरंगजेब गोविंद देव मंदिर को ध्वस्त करने आया था। काफी हद तक वो ध्वस्त करने में सफल भी रहा, लेकिन फिर हनुमान जी ने मंदिर को बचाने के लिए काफी सारे शेरों की आवाज निकाली और फिर औरंगजेब को भागना पड़ा। अब हम जा रहे हैं वृंदावन के भजनाश्रम की तरफ, जहां किसी टाइम मीराबाई ने भजन किया था। यहाँ मीराबाई ने भजन किया था राजस्थान चित्तौड़ से आके। हाँ। 450 साल पहले उस समय यहाँ मीराबाई की बिल्डिंग नहीं थी, कुटिया थी जंगल। 4 बिल्डिंग है, चारों में 2000 माई भजन करती हैं ना। सुबह 4 घंटे 6 से 10 और शाम को 3 से 7 जो चलती फिरती नहीं है वो यही रहती है, चलती फिरती है दूसरी जगह रहती है। यहाँ मीराबाई को दर्शन दिया था भगवान ने। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, बोलो गिरधर गोपाल की जय। तो अब हम आ चुके हैं वृंदावन के एक बहुत ही फेमस मंदिर को देखने के लिए, जो कि है बांके बिहारी जी का मंदिर। ये मंदिर बहुत ही चमत्कारी और रहस्यमय है। जैसा कि कहा जाता है कि यहाँ पर स्थापित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा किसी के द्वारा बनाई गई नहीं है। ये प्रतिमा निधिवन से प्रकट हुई थी, निधिवन से ये प्रतिमा उत्पन्न हुई थी, जहाँ पर स्वामी हरिदास जी ने 12 साल तक तपस्या की थी। बांके बिहारी मंदिर के कुल 4 गेट हैं, जिसमें से पहला गेट प्रमुख है, जहां से एंट्री की जाती है। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के भीतर की ओर और करते हैं भगवान के दर्शन। तो अब हम लोग अपने जूते चप्पल मंदिर के बाहर ही खोलकर एंटर कर चुके हैं बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर, और कुछ ही क्षणों में हम करने वाले हैं भगवान के दर्शन। देखिए जो प्रतिमा आप अपने सामने देख पा रहे होंगे, यही है बांके बिहारी जी, जहां पर हम दर्शन करने के लिए आए हैं। ये मंदिर चमत्कारी इसलिए है क्योंकि ये जो प्रतिमा है बहुत ही आकर्षक है
और अगर आप इस प्रतिमा की आंखों में आंखें डालकर देखें और कुछ देर तक देखते ही रहें तो ये प्रतिमा आपके साथ जाने लग जाती है, आपके साथ ही चलने लग जाती है। इसी वजह से इस मंदिर के जो पट हैं हर 2 मिनट के अंदर बंद कर दिए जाते हैं और वापस से कुछ देर में खोल दिए जाते हैं। अब हम जा रहे हैं मथुरा के जन्मभूमि मंदिर में, जो कि यहाँ का मुख्य मंदिर है, जहाँ पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। वहाँ पर जेल है कंस की, कंस का अखाड़ा है। तो चलिए चलते हैं जन्मभूमि मंदिर की तरफ, जो कि मथुरा में स्थित है। अब हम पहुंच चुके हैं कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन मंदिर के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐतिहासिक हैं और देखने लायक हैं। मंदिर के अंदर हम चलते हैं और आपको बाहर से मैं जब लौट कर आऊँगा तो आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा कि क्या क्या मंदिर में देखने लायक हैं। तो चलिए चलते हैं कृष्ण जन्मभूमि के अंदर। देखिए, अंदर जाने से पहले मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये है कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का मुख्य द्वार, जहाँ पर 2 बड़े बड़े द्वारपाल खड़े हैं और यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह का नज़र आता है। सामने होटल्स बने हुए हैं और आप साइड से देखेंगे तो आपको जन्मभूमि मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर नज़र आएगा, जो कि एक बड़े इलाके में फैला हुआ है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमें अपना सारा सामान सामान घर यानी कि क्लॉक रूम में जमा कराना होता है। चाहे आपके पास मोबाइल हो, चाहे आपके पास बैग हो, सभी को यहाँ पर जमा कराना होगा। हर चीज़ का 10 रुपये प्रति नग के हिसाब से यहाँ पर चार्ज लिया जाता है। तो अब हमने अपना सामान जमा करा दिया है और हम अब जा रहे हैं जन्मभूमि मंदिर के अंदर। तब तक आप इस नज़ारे को एंजॉय कीजिए। लौट आए हैं कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के अंदर से। अंदर काफ़ी अच्छा लगा हमको, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि जहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, जो जेल थी कृष्ण, जो कंस की जेल थी, वो हमने देखी। जहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था, जो बाकी मंदिर हैं बहुत सारे, जहाँ पर आपने कई बार टीवी में देखा होगा कि जन्माष्टमी के दिन जहाँ पर श्री कृष्ण का अभिषेक किया जाता है, वो मंदिर यहाँ पर अंदर है। जो बहुत बड़ा सा हॉल है जहाँ पर श्रद्धालु उस दिन भीड़ से भरे रहते हैं, जिस कमरे में, वो जगह यहाँ पर है। तब हम पहुँच चुके हैं विश्राम घाट पे, जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करके विश्राम किया था। ये जगह बहुत ही शांत है और यमुना नदी के किनारे पे स्थित है। यहाँ आप मेरे पीछे देखेंगे घाट है, बहुत अच्छा सा घाट है, और आप इस पूरी यमुना नदी के तट से होते हुए पूरी सारी जगह जितनी भी इस यमुना नदी के किनारे किनारे बसी हुई है सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। और साथ ही यहाँ पर है एक कंस का किला, वो भी बीच में आएगा, वो भी देखेंगे। और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो एक अच्छी डेस्टिनेशन ये होने वाली है। लेकिन आगे घूमने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा कि मथुरा वृंदावन के लगभग जितने भी मंदिर हैं वो दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद होते हैं। तो इस दौरान विश्राम घाट आना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, ताकि आप अपने समय का सदुपयोग कर सकें। विश्राम घाट जन्मस्थली मंदिर से कुल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इलेक्ट्रिक रिक्शा का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि इस रास्ते पर CNG पेट्रोल डीजल वाले ऑटो चलना अलाउड नहीं है। वैसे ही अगर आप विश्राम घाट आएँ तो बोट में ज़रूर आइएगा, और ये जो हमारे बोट्समैन हैं इनके साथ आप चाहें तो घूम सकते हैं। काफ़ी अच्छे से इंट्रोड्यूस भी करते हैं और हर चीज़ बता रहे हैं हमको। वैसे सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दर्शन। क्या? दर्शन। दर्शन, तो आज हमारे जो बोट्समैन हैं उनका नाम है दर्शन। रामघाट, श्यामघाट, ठकरानी घाट, ध्रुव घाट, ध्रुव दूल्हे सेवा। अच्छा, तपस्या की। अच्छा, ध्रुव वाला। अच्छा, वो तपस्या यहीं करी थी? हाँ, जीने तरफ से वही। अच्छा अच्छा, बना हुआ। ध्रुव तारा वाली कहानी ऋषि के आश्रम की ओर जा रहे हैं। दुर्वासा ऋषि है ना? दुर्वासा ऋषि के आश्रम की ओर जा रहे हैं। तट काफी नजदीक है, देखिए आप पीछे देख पाएंगे, तट काफी नजदीक है। हम पहुंचने वाले हैं ऊपर किनारे के पास। यही मंदिर है? अच्छा अच्छा, और जगह कोई दुर्वासा ऋषि का मंदिर नहीं है? अच्छा अच्छा, ये इकलौता मंदिर यही है? अच्छा अच्छा, गोपियां खाना लेकर के, खाना लेके आते। तो अब हम पहुंच चुके हैं दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली, जहां पर दुर्वासा ऋषि ने लगभग 10,000 साल तक तपस्या की थी। यहां पर गोपियां उनके लिए खाना लेकर आया करती थी।
और इसी जगह कालिंदी कृष्ण मिलन मंदिर है, जो कि दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां पर भगवान श्री कृष्ण और यमुना जी की एक साथ प्रतिमा आपको दिखाई देगी। और इसी से सटा शनि देव और धर्मराज मंदिर भी यहां पर है। तो यह है दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली, जहां पर दुर्वासा ऋषि की प्रतिमा स्थापित है। यहीं पर दुर्वासा ऋषि ने लगभग 10,000 साल तक तपस्या की थी। यमुना पार इस गांव में आगे चलने पर हमें बताया जाता है कि यहां पर ऋषि दुर्वासा का इकलौता मंदिर है, जो कि विश्व में एकमात्र मंदिर है जहां पर दुर्वासा ऋषि की पूजा की जाती है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें काफी लंबा डिस्टेंस पार करना पड़ता है, जो कि इस गांव से होकर गुजरता है। तो ये काफी लंबा डिस्टेंस पार करने के बाद हम पहुंच चुके हैं दुर्वासा ऋषि के मंदिर में, जो कि विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां पर दुर्वासा ऋषि की पूजा की जाती है। इस मंदिर का टाइमिंग भी कुछ बाकी मंदिरों की तरह ही है, क्योंकि यह मंदिर भी सुबह और शाम को खुलता है और दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ये बंद होता है। तो अब हम सभी मंदिरों के दर्शन करके यमुना किनारे आ चुके हैं और यहाँ से मथुरा शहर कुछ इस अंदाज में नजर आता है। अब एक बार वो घाट वापस बताइए, कहाँ से लेके गए थे? ये है वासुदेव घाट। ये व्हाइट जो दिख रहा है आपको, जाली वाला वासुदेव जी भगवान जी को गोकुल लेके यहीं से गए थे। यहाँ से सामने 12 किलोमीटर 12 अच्छा 12 किलोमीटर गोकुल है। अच्छा। और यहाँ से 1 किलोमीटर जन्मभूमि है, ये जन्मभूमि का सीधा रास्ता है। जन्मभूमि का मतलब 13 किलोमीटर को पैदल लेके गए थे यमुना पार करके। ये वही यमुना है जहाँ पर वासुदेव जी ने इस यमुना नदी को पार किया और यहाँ पर ही शेषनाग छत्र बन करके वासुदेव जी और श्री कृष्ण के ऊपर आए थे, ताकि ये जो बारिश हो रही थी उस टाइम पे उससे बचाया जा सके उन्हें। तो अब हम विश्राम घाट पार करते हुए यमुना नदी के रास्ते हम जा रहे हैं कंस के किले, यानी कि जहाँ पर राजा कंस रहा करते थे वहाँ पर जा रहे हैं। तो अब हम आ चुके हैं कंस के किले के पास में। यहाँ से थोड़ा सा सफर तय करना होगा और फिर हम पहुँचेंगे कंस किला। देखिए शुरुआत हो चुकी है कंस के किले की। यहाँ से आप बड़ी बड़ी मंजिलें देख पाएंगे, जो कि बहुत ही पुरानी है, हिस्टोरिक टाइम की ये बनी हुई है, जो कि आपको दर्शाएंगी कि ये पुराने टाइम का किला है जहाँ पर राजा कंस रहा करता था। देखिए ये है कंस के किले की एक ऐसी इमारत जिसे आप देखकर ही पहचान पाएंगे कि ये बहुत ही पुराने आर्किटेक्चर से बनी हुई है, और इसका रूप रंग देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी होगी। और जैसे कि आपने कई मूवीज में कई सीरियल्स में देखा होगा, इसी तरह का कुछ आर्किटेक्चर उसमें दिखाया जाता है, तो उसी तरह का आर्किटेक्चर आप यहाँ देख पाएंगे। आपको मेरे पीछे एक इमारत दिख रही होगी, ये है कंस किला, जो कि बहुत ही प्राचीन है, बिल्कुल महाभारत के टाइम पर। जब अभी हम इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ बाहरी स्ट्रक्चर तो आपने देख ही लिया होगा, इस तरह की पुरानी इमारतें। वैसे यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल खोल दिया गया है कुछ रिपेयरमेंट करते हुए। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा, जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं और ये जो घर आप देख पा रहे होंगे, जितनी भी दुकानें आप देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे कंस के किले के अंदर बनाए गए हैं। जैसे कि आप आर्किटेक्चर को देखकर पहचान पाएंगे कि ये कितना पुराना है, और इस ये हर एक बिल्डिंग पे आप जो ईंटें लगी हुई हैं वो कितनी पुरानी है, इन सब पे सिर्फ कलर कर दिया गया है, लेकिन ये जो पूरा रास्ता भरा हुआ है, जितने भी घर हैं, ये कंस का किला था पुराने टाइम पर। ये जो हम घूम करके ऊपर की ओर जा रहे हैं कंस के किले के ऊपर, वो तो हम एक ऐसा पॉइंट पे जा रहे हैं जहाँ से हमें प्रॉपर पता चलेगा कि ये कंस का किला है, लेकिन यहाँ से जितने भी रास्ते में ये घर नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे किले का भाग है, यानी कि जो किला था बहुत बड़े दायरे में फैला हुआ था। लेकिन आज आपको ऐसा लगेगा कि ये किला बहुत छोटा सा है, क्योंकि ये लोगों ने यहाँ पर अपने घर बना लिए हैं, क्योंकि बहुत पुराने टाइम की बात थी, लगभग 6,000 साल पुरानी बात। तो उस टाइम पे उस ड्यूरेशन में लोग बसते गए, आते गए और यहाँ पर उनके घर बनते गए। बना हुआ था, टूट गया, अंदर हुआ है ये। यहाँ नीचे कमरे होंगे कुछ, काफी कमरे हैं, ये पूरी छत के नीचे कमरे। ये देखिए आपको, ये जो आर्किटेक्चर है पुराने तरह का आर्किटेक्चर है, और भी आप ये जो दीवारें देख रहे हैं, पूरा का पूरा ये जो छत है, ये कंस के किले की छत है। इसके ऊपर भी और भी स्ट्रक्चर्स हैं।
और भी स्ट्रक्चर्स थे लेकिन अब वो ध्वस्त हो चुके हैं क्योंकि बहुत पुरानी बात है। कंस का किला यमुना नदी के बिल्कुल तट पर स्थित है। आप यहाँ से किले के ऊपर चढ़ करके यमुना नदी को बड़े आराम से देख सकते हैं। बीच में एक छोटा सा आइलैंड टाइप का दिखेगा, ये छोटा सा आइलैंड है यहाँ पर। तब हम कंस का किला देखकर विश्राम घाट से लौट रहे थे तो हमें बीच में द्वारिकाधीश मंदिर दिखाई दिया, जिसका टाइमिंग भी बाकी मंदिरों के लगभग ही है, जो कि सुबह खुलता है और शाम को खुलता है और दोपहर 12 बजे से लगभग शाम 5 बजे तक ये बंद रहता है। अगला स्थान जो हम मथुरा में देखने वाले हैं वो है बिरला मंदिर, जिसे गीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और अब हम करने जा रहे हैं मंदिर के अंदर प्रवेश। देखिए मंदिर काफ़ी सुंदर दिख रहा है, यहाँ से बहुत ही अद्भुत कलाकारी से ये बना हुआ है। यहाँ भगवान कृष्ण की वो प्रतिमा है जब भगवान कृष्ण भगवद गीता अर्जुन को सुना रहे थे, और पास के ही एक मंदिर में भगवान विष्णु संग माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर एक गीता रथ भी है जो आप अपने सामने देख पा रहे होंगे, जो स्टैचू है आपके सामने, जिसमें दो घोड़े बंधे हुए हैं और पीछे एक रथ है जिस पर कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का सार अर्जुन को सुनाया था। इसी वजह से इस स्मारक को गीता रथ के नाम से जाना जाता है। तब हम पहुंच चुके हैं गोकुल, और यहाँ से हमको अब एक पंडित जी या फिर कोई भी गाइड पूरे के पूरे जो भी जगह हैं उन सबको घुमाने लेके जाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है। ये पति पावन कुंड, पोतरा कुंड बोले, यशोदा कुंड बोले। यहाँ 6 दिन के कृष्ण बलदेव जी हुए थे, यशोदा मैया ने छठी कपड़े धोए भगवान के। आज भी हमारे यहाँ गांव में कोई बच्चा होता है, पहले उसकी माँ यहाँ कपड़े धोती है, बाद में घर पर धोया जाता है। 2 कदम के पेड़ पहली पार है, 2 कदम के पेड़ इस पार है, जिस पर बैठ के भगवान बंसी बजाए है, यहीं से नाम पड़ गया बंसी वाला भगवान का नाम। देखो ये जगह का नाम क्या बोलते हैं, जो आप खड़ी हो इस चीज़ का अच्छा स्थान है, इसका नाम बोलते हैं नंद चौक। नंद चौक, हाँ। जन्माष्टमी का 2 दिन का जो प्रोग्राम होता है नहीं, नंद महोत्सव, हाथी घोड़ा पाल की जगह नहीं है वो, इसी चौक से चैनल वाले दिल्ली से जो आते हैं वो यहीं से रिले करते हैं, जो पूरे इंडिया में दिखाते हैं। ये 2nd गेट आ गया कृष्ण द्वार, और ये गोकुल की गली आ गई छोटी छोटी, कुंज गली, मक्खन चोर गली। अब तो मार्केट है, पहले मार्केट नहीं थी कुछ भी यहाँ पे। कुंज गली, मक्खन चोर गली, कुंज गली, माखन चोर गली, कहते हैं गली गली में शोर है, काना माखन चोर है, तो यही से भगवान का नाम माखन चोर है। प्रेम से बोलो माखन चोर भगवान की जय। थोड़ा हंस के आना है, हाँ हाँ हाँ, लाइव एंकर के आना है हंस के, हाँ हाँ हाँ। यहाँ इसीलिए हंसाया जाता है, यहाँ वैसे मत समझना तुम, मंदिर में भी हंसाएंगे, चाहे कंजूसी कर लेना दान में खाने पीने में, पर हंसने में कंजूसी नहीं करनी है। कहते हैं कि इरादे रोज बनते हैं टूट जाते हैं, समझ लो इरादे रोज बनते हैं टूट जाते हैं, और गोकुल में वो आते हैं जिन्हें कन्हैया बुलाते हैं। तो यहाँ कौन है? लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल। यहाँ कृष्ण नहीं है, कृष्ण देखना है तो मथुरा वृंदावन में जाइए, तो जहाँ मिनी कुंभ लगता है हर साल अगस्त के महीने में गोवर्धन में, वहाँ करोड़ों 1 करोड़ की संख्या में लोग आते हैं। पर अब 2 साल से क्या है, कोरोना काल चल लिया है, तो इसलिए लाखों की संख्या में आ रहे हैं लोग, रुक नहीं रहे हैं, खूब प्रतिबंध लगा रही है गवर्नमेंट, पर रुक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आस्था है ना, ये आस्था भारी पड़ती है हर एक चीज़। तो वहाँ करोड़ों लोग आते हैं गोवर्धन में, गिरिराज जी गोवर्धन जो बोलते हैं। और यहाँ जो आते हैं, यहाँ गोल्डन झूला है, गोल्डन झूला का दर्शन है ठाकुर जी का, तो यहीं भगवान से लड़ते हैं, टच होती है, बाकी मथुरा वृंदावन में कहीं टच नहीं होती है। 5,500 मंदिर है, 5 जगह है, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और बरसाना। अच्छा, 5,500 मंदिर में मेन मंदिर ये है, जो मथुरा में जन्म हुआ, यहाँ लालन पालन हुआ है, और यहाँ से भगवान सारी जगह गए। बोलो माखन चोर भगवान की जय। ये मेन मंदिर है, देखो सामने जो खड़े हैं लोग। तो चलिए चलते हैं मुख्य मंदिर के अंदर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ था और यहीं पर उनकी छठी की पूजा भी हुई थी। यही वह जगह है जहां माँ यशोदा ने श्री कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा था, और यही वह जगह है जहां पर पूतना नाम की राक्षसनी का श्री कृष्ण ने वध किया था, जो कि श्री कृष्ण को जहरीला दूध पिलाकर मारने आई थी। भगवान बाल अवस्था में खेलते थे, खेल खेल में मिट्टी खाए थे, यशोदा मैया ने चाटा मारा था, मुंह फाड़ के पूरा ब्रह्मांड को खाए थे। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये पुराने टाइम पे श्री कृष्ण का घर हुआ करता था, जहाँ पर माँ यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया था। यहाँ भगवान की छठी पूजी है, सुनो, नामकरण रखा गया था भगवान जी का, सुन लो। इस रूम में सबसे ज्यादा क्या नजर पड़ रहा है, सतिया स्वास्तिक बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा इस रूम में है, ये वही है
जो लोग पहली बार आए थे और जो जो मांग के गए उनकी मनोकामना भगवान ने पूरी कर दी, शादी की, ब्याह की, नौकरी की, धंधा की, बिजनेस की, बाल बच्चे की, उनकी मनोकामना पूरी होने के बाद में कभी भी आ सकता है वो दोबारा। तो ये गाय का गोबर लेना पड़ता है गौशाला में से। अच्छा। और इसका शास्त्र बनाओ, क्रिया बनाओ और मनोकामना के कष्ट से मुक्त हो जाता है। यहीं से बैठ बैठे जाते हैं, आज भी देख लेना, तुमसे आगे जो तो देख लेना, जन्म मर से नहीं चलते। अब हम पहुंच चुके हैं मुख्य मंदिर के अंदर, जहां पर श्री कृष्ण बाल गोपाल रूप में विराजमान हैं। यहां पर श्री कृष्ण को झूला झुलाने से सुखमय जीवन की प्राप्ति होती है। यहां मंदिर के अंदर फोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं है, इस वजह से अब हमें अपना कैमरा अंदर रखना होगा। मंदिर से बाहर आते ही आपको श्री कृष्ण की अलग अलग झांकियां नजर आएंगी, जिसमें श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का वर्णन है। यहां पर आपको वासुदेव जी के साथ श्री कृष्ण नजर आएंगे और आपको नजर आएंगी पूतना, पूतना के ऊपर श्री कृष्ण। और ये जगह एक और वजह से फेमस है, क्योंकि यहां पर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी यानी कि बलराम का जन्म हुआ था। तो हम पहुँच चुके हैं बरसाना, यहाँ पर पहाड़ के ऊपर जो मंदिर है, मंदिर या फिर महल बोल सकते हैं उसको, पहाड़ के ऊपर है, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। ये रहा मंदिर, ऊपर की ओर देखिए, ये है, यहाँ से छोटा सा दिख रहा है, पीछे की साइड से बहुत बड़ा सा है, एक राजमहल जैसा दिखाई देता है। वैसे जो सीढ़ियाँ आप अपने सामने देख पा रहे होंगे, यही हैं मेन मंदिर की जो मेन सीढ़ियाँ हैं। ये काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, लगभग 300-350 सीढ़ियाँ हैं, इनको पार करके हमको ऊपर की ओर जाना होगा। लेकिन यहाँ पर कई दुकानदार आपसे ये बोलेंगे कि आप अपने जूते चप्पल यहीं पर खोल दीजिए और फिर ऊपर जाइए, लेकिन आप अपने जूते चप्पल मत खोलिएगा, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर आपको ऊपर की ओर जाना है। तो अगर आप जूते चप्पल पहने हुए रहेंगे तो आप आसानी से ऊपर की ओर चढ़ पाएंगे, अगर नंगे पैर चढ़े तो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आपको आ सकती है। तो कंस के आक्रमण के बाद जब गोकुल वासियों ने गोकुल छोड़ा, तो सबसे पहला आसरा उन्हें बरसाना में ही मिला, क्योंकि यहाँ के जो मुखिया थे वो नंद बाबा के प्रमुख मित्र थे। तो बरसाना ही वह जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से पहली बार मिले थे। तो अब हम करने जा रहे हैं मंदिर के अंदर एंट्री। वैसे आप इस नज़ारे को देखिए, हम एंट्री तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ से हिलने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि इतना सुंदर दृश्य नज़र आ रहा है। यहाँ से आप देखिए, जैसे कि आपको पुराने ज़माने का जो कारपेट वगैरह बिछे रहते थे उस तरह की फील आएगी। तो अब हम प्रवेश कर चुके हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पर राधा रानी जी का मंदिर है जो कि बहुत ही भव्य है, जैसे कि आप अपने सामने देख पा रहे होंगे कि बहुत बड़ा सा हॉल है और यहाँ पर मंदिर है जिस तरफ हम जा रहे हैं। तो अब दर्शन कर लीजिए बरसाना के मुख्य मंदिर में, जहाँ राधा रानी की प्रतिमा बहुत ही सुंदर लग रही है और प्रेम से सभी बोलेंगे राधे कृष्णा राधे राधे। तो अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं, मेन जगह आपको दिखानी बाकी है जहाँ पर राधा रानी रहा करती थी। और वो जो इमारतें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो बहुत पुरानी बनी हुई हैं। ये तो सारा रेनोवेशन वर्क है, ये बाद में बनाया गया मंदिर, लेकिन जो पुरानी जगह है वो अभी आपको देखना बाकी है। तो चलिए चलते हैं उस जगह पर। देखिए आप सामने दो छतरियाँ और बीच में एक आकृति देख पा रहे होंगे, ये पुराने टाइम का बना हुआ है। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। वैसे अंदर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हम बाहर से तो देख ही सकते हैं। तो अब आप इस बिल्डिंग को देखिए और इसके आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। ये एक महलनुमा आकृति बनाई हुई है जो कि पुराने टाइम की, आपको इसको देखकर ही पता लग जाएगा कि ये पुराने टाइम का एक स्ट्रक्चर है जो कि पुराने टाइम पर बनाया गया था, जिसके ऊपर कलर कर दिया गया है। इसकी वजह से आपको थोड़ा थोड़ा नया लगे, लेकिन इसका जो आर्किटेक्चर है वो पुराने टाइम का ही है। आप यहाँ से देख पाएंगे, ये देखिए जो दरवाजे बनाए गए हैं, जो स्ट्रक्चर है वो सब कुछ पुराने टाइम का है। तो यही है असली घर जहाँ पर राधा रानी रहा करती थी। ये बरसाना है जहाँ पर राधा रानी का घर हुआ करता था, और ये जो महल है यहाँ पर वो रहा करते थे। जैसा कि आपको पता होगा, राधा रानी के पिता बरसाना के मुखिया थे, तो उसी वजह से आप ये जो घर का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, बिल्कुल आलीशान है, एक तरह से महल नुमा आकृति ये बनी हुई है। वो जो दूसरी तरफ आपको दिख रहा है वो है मंदिर, जो कि बाद में बनाया गया, लेकिन पहली वाली जगह जो आपने अभी देखी वो थी। अब हम आ चुके हैं बरसाना के एक और फेमस मंदिर में, जिसका नाम है कीर्ति मंदिर। ये है भव्य कीर्ति मंदिर का मुख्य द्वार, जहां से हम मंदिर के अंदर एंटर कर सकते हैं।
ये मंदिर उसी शैली में बनाया गया है जिस प्रकार प्रेम मंदिर को बनाया गया है। प्रेम मंदिर वृंदावन में स्थित है और कीर्ति मंदिर बरसाना में। यहाँ से आप भगवान के अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर राधा रानी, उनकी माँ और भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान है। देखिए, जिस प्रकार प्रेम मंदिर में बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाई गई हैं, उसी प्रकार कीर्ति मंदिर में भी बहुत ही सुंदर झांकियाँ बनाई गई हैं, जो कि भगवान कृष्ण और राधा रानी की प्रेम लीला को दर्शाती हैं। पहली झांकी में आपको भगवान कृष्ण और राधा रानी बांसुरी बजाते हुए नजर आएंगे। दूसरी झांकी में आपको राधा रानी विश्राम करते हुए नजर आएंगी और भगवान कृष्ण उन पर पंखा झलते हुए नजर आएंगे। तीसरी झांकी में आपको भगवान कृष्ण और राधा रानी एक उत्सव में नजर आएंगे। तो अब हम आ चुके हैं नंदगांव, जहां पर श्री कृष्ण रहा करते थे और यहां से ही वो जाते थे बरसाना श्री राधा जी से मिलने। अब यहां की गलियों में हम चल रहे हैं, ऊपर की ओर जाएंगे जहां पर वो मंदिर बना हुआ है। नंदगांव का जो मुख्य मंदिर है वो पहाड़ की चोटी पर स्थित है और नंदगांव का नाम रखा गया नंद बाबा के ऊपर, क्योंकि नंद बाबा ने इस गांव की स्थापना की थी। यहां पर हमें काफी सारी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर जाना होगा, जहां पर नंद बाबा का घर है, यानी कि जिस मंदिर में हम जा रहे हैं वो पुराने टाइम पर नंद बाबा का घर हुआ करता था, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 9 साल का समय व्यतीत किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर नंद बाबा ने अपना घर इतनी ऊंचाई पर जाकर क्यों बनाया। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि है भगवान श्री कृष्ण की रक्षा करना। क्योंकि नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण के पिता थे, भले ही फॉस्टर फादर थे लेकिन थे तो पिता ही। तो जब कंस का आक्रमण बढ़ता गया, कंस के राक्षस बार बार श्री कृष्ण के ऊपर हमला करने आने लगे, तो नंद बाबा ने कृष्ण भगवान को बचाने के लिए नंद गांव जाकर अपना घर बनाया, जो कि पहाड़ की चोटी पर था, ताकि वहां तक कोई भी राक्षस आसानी से न पहुंच सके, और अगर पहुंचता भी है तो उनको पहाड़ की चोटी से वो दिखाई दे जाए। तो इस प्रकार नंदगांव की स्थापना हुई और यहाँ पर एक गांव बस गया। तो अब चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। देखिए, यहाँ से आपको मेन गेट दिख रहा होगा, मंदिर का ये द्वार है, जो कि यहाँ पर आपको शुरुआत में दिखाई देगा। और ये है मंदिर का पूरा प्रांगण, जहाँ पर नंद बाबा, भगवान श्री कृष्ण और यशोदा माँ रहा करते थे। मंदिर काफ़ी सुंदर है, काफ़ी भव्य है और काफ़ी साफ सुथरा है। आप यहाँ की साफ सफाई से ही देख पाएंगे। जो मंदिर है वो आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ से अब हम चलेंगे मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि ये पुराने टाइम पर नंद बाबा का घर हुआ करता था, तो इसका आर्किटेक्चर को देखिए और समझिए। ये पुराने टाइम का ही आर्किटेक्चर है, बस इसके ऊपर थोड़ा कलर कर दिया गया है, कुछ पेंटिंग्स बना दी गई हैं। तो चलिए अब करते हैं भगवान के दर्शन। यहाँ पर आपको भगवान कृष्ण अपनी पूरी फैमिली के साथ नजर आएंगे। यहाँ पर आपको यशोदा माँ, नंद बाबा और श्री बलराम और भी बहुत सारे फैमिली मेम्बर एक साथ ही नजर आएंगे, जिनके दर्शन आप इस मंदिर में कर सकते हैं। तो अगर कुल मिलाकर कहें तो हमें यहाँ इस मंदिर में भगवान की पूरी फैमिली के दर्शन एक साथ करने को मिलते हैं। अब हम जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने, जो कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा होने वाली है। इसमें वैसे दो परिक्रमाएं होती हैं, एक 9 किलोमीटर की, एक 12 किलोमीटर की। आप अगर चाहें तो छोटी भी कर सकते हैं, 9 वाली या फिर 12 किलोमीटर वाली। हम कर रहे हैं पूरी 9 और 12 दोनों मिलाकर के, जो कि है 21 किलोमीटर की। इसको करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे की जरूरत होती है। और ये वही पर्वत है जो कि श्री कृष्ण ने बारिश के प्रकोप से बचने के लिए अपने पूरे एक उंगली में, इस उंगली में, छोटी वाली उंगली में पूरे पर्वत को उठा लिया था। समय की कमी होने की वजह से हम इस परिक्रमा को ऑटो द्वारा कर रहे हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इस परिक्रमा को पैदल भी पूरी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर रास्ते में देख रहे होंगे, कई लोग पैदल यात्रा यहां पर कर रहे हैं, पैदल परिक्रमा का मार्ग उन्होंने अपनाया हुआ है। यहां पर ही आपको इलेक्ट्रिक ऑटो मिलेंगे लगभग 450 से 500 रुपए के करीब, जो कि आपको 21 किलोमीटर की पूरी यात्रा करवाएंगे। यहां मंदिर बहुत, इसमें जो परिक्रमा हम करने वाले हैं इसमें काफी सारे मंदिर आते हैं, बीच में 5-6 मंदिर है, राधा कुंड है और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि हम इस परिक्रमा के दौरान देखेंगे। तो हमारी गोवर्धन पर्वत की इस यात्रा के शुरुआत में ही हमें कुसुम सरोवर दिखाई देता है, जो कि एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाते हुए हमें सबसे पहले एक मंदिर नजर आता है, जो कि है गोवर्धन महाराज का मंदिर। यहाँ पर गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है।
यहाँ मंदिर के मुख्य द्वार पर आपको गोवर्धन महाराज मंदिर लिखा हुआ नजर आएगा और यहाँ अंदर आपको गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा नजर आएंगी जिनके दर्शन हम यहाँ से कर सकते हैं। अब हम अपने परिक्रमा मार्ग से चलते हुए आप पहुँचे हैं गंगा गोवर्धन मंदिर। ये भी एक बहुत ही विशाल मंदिर है, बहुत सुंदर सी प्रतिमा है यहाँ पर गंगा मैया की। दर्शन करने के बाद हम चल रहे हैं आगे की ओर। अब हमें काफ़ी देर हो चुकी है गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाते हुए और जैसा कि आप में से कई लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि आखिर गोवर्धन पर्वत दिखाई क्यों नहीं दे रहा। ऐसा ही विचार हमारे मन में भी था, हम काफ़ी देर से चल रहे थे लेकिन गोवर्धन पर्वत दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमने अपने ऑटो वाले से कहा कि हमें कोई ऐसे स्पॉट पर लेके चलिए जहाँ से हमें गोवर्धन पर्वत ठीक से नज़र आए। पहले हमने इमेजिन किया कि यहाँ पर गोवर्धन पर्वत शायद लुप्त हो गया हो या फिर नहीं हो, और क्योंकि हम ऐसी जगह से होके आ रहे थे कि जहाँ पर लग रहा था कि शहर ही होगा, लेकिन आप जब मेरे पीछे एक पहाड़ी टाइप देख पा रहे होंगे यही है गोवर्धन पर्वत। इस गोवर्धन पर्वत को अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल नजर नहीं आएगा, अगर आप इसको थोड़ा और पास जाके देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा पहाड़ जैसा नजर आने लगेगा, और हम इसको थोड़ा जूम करते जाते हैं तो आपको समझ आएगा कि ये एक पहाड़ का पूरा शेप लिए हुए एक पर्वत है। कोई बहुत बड़ा पर्वत नहीं, अगर आप इमेजिन कर रहे हैं कि बहुत बड़ा सा पर्वत होगा जैसे कि पिक्चर्स में फोटोज में दिखाया जाता है, लेकिन ये एक छोटा सा पर्वत है जो कि इतनी ज़्यादा हाइट लिए हुए नहीं है। यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा अनुमान ज़रूर हो रहा होगा कि इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है लेकिन ये फैला हुआ काफ़ी बड़े क्षेत्र में है। तो अब जिस स्पॉट पर हम खड़े हैं ये है राजस्थान का भरतपुर जिला, और वो मंदिर मेरे पीछे देख पा रहे हैं आप, उसके पीछे जाता है उत्तर प्रदेश, यानी कि जहाँ से हम आए हैं वो उत्तर प्रदेश है, ये है राजस्थान। जो गोवर्धन की परिक्रमा हम लगा रहे हैं वो पूरी 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है उसका कुछ भाग राजस्थान के भरतपुर जिले में आता है और बाकी सारा हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है। अब हम जिस भाग में चल रहे हैं वो है राजस्थान का भरतपुर जिला, और भरतपुर जिले के अंदर जब हमने एंटर किया तो सबसे पहले हमें एक मंदिर नजर आया जिसका नाम है श्री मंदिर पुछरी का लोठा। ये मंदिर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसके पीछे कई मान्यताएं हैं, यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, और ये है भगवान की प्रतिमा जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं। अब परिक्रमा मार्ग में हम आगे की ओर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें श्री गिरिराज जी महाराज का मंदिर नज़र आता है जो कि एक बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है। यहाँ पर आपको गोवर्धन पर्वत की झांकी नज़र आएगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाया रखा है। तो चलिए अब इस परिक्रमा मार्ग से होते हुए आगे की ओर चलते हैं। इस मार्ग में आपको बहुत सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर्स नज़र आएंगे, बहुत प्राचीन आपको यहाँ पर बिल्डिंग्स नज़र आएंगी और कई सारे मंदिर आपको बीच में नज़र आएंगे। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना है कि अगर आप कभी भी गोवर्धन यात्रा में आते हैं, आप कभी भी परिक्रमा लगाने की सोचते हैं और सोचते हैं कि हम सारे मंदिरों के दर्शन करेंगे, और अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टाइमिंग का खास ख्याल रखना होगा। मंदिरों का टाइम सुबह और शाम खुलने का है, बीच में जो टाइम है 12 से लगभग 4 बजे तक का, शाम 4 बजे तक का, इस टाइम पर लगभग सभी मंदिर बंद होते हैं, तो आप इस टाइम को अवॉइड करने की कोशिश करना अगर आपको सभी मंदिर में दर्शन करना है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे जो हमारा अगला डेस्टिनेशन पॉइंट आने वाला है वो है राधा कुंड, जो कि एक बहुत ही सुंदर जगह है। ये जो मेरे पीछे आप कुंड देख रहे हैं इसे बोलते हैं राधा कुंड। राधा कुंड है, हाँ, और बगल वाला श्याम कुंड है। श्याम कुंड है, अच्छा उधर। भगवान ने गोकुल में पूतना को मारा, मथुरा में कंस को मारा है, या भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर नामक राक्षस को बछड़ी के रूप में मारा है। अच्छा, यहीं पे मारा है। तो भगवान को यहाँ गौ हत्या का पाप लगा है। अच्छा, तो भगवान ने गौ हत्या दूर करने के लिए कार्तिक के महीने में अहोई आठे आती है, संसार के सभी देवताओं को या बांसुरी की धुन से बुलाया भगवान। अच्छा, तब ये राधा जी ने चूड़ी से बनाया राधा को। अच्छा, और भगवान ने पवित्र बंसी से बनाया है। अच्छा अच्छा, तो श्याम कुंड में जन्म निकला है, राधा जी में जन्म निकला है। अच्छा, तो भगवान ने अपनी बंसी से दोनों का संगम कर दिया, जो कट रहा है वो नीचे संगम है, बोल राधा बोल संगम हुआ है। तो संसार के सभी तीर्थों का जल है राधा कुंड में, यहाँ जिन लड़कियों के बच्चे नहीं होते पुत्र के लिए कार्तिक महीने में रात को 12 बजे नहाते हैं। अच्छा अच्छा,
अच्छा अच्छा, जिनकी कामना नौकरी शादी टीका लगाने से आनंद करते हैं। और यहाँ पे वो दूध का क्या है, दूध की धारा साल में एक दिन निकलती है, सावन महीने में या कार्तिक महीने में डेट फिक्स नहीं है कब निकलती है। अच्छा, और ये दूध की धारा पूरा सफेद हो जाता है, राधा कुंड से निकल के श्याम कुंड में समाप्त हो जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट जरूर, ब्लैक एंड मतलब व्हाइट कलर की दिखती है, ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। तो अब राधा कुंड हमने देख लिया है, और भी कई सारे मंदिर यहाँ पर हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया यहाँ पर टाइमिंग का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अब हम अपनी यात्रा के समापन की ओर जा रहे हैं। स्पॉट से हमने परिक्रमा चालू करी थी, अब वापस से उस स्पॉट पे आ चुके हैं और ये परिक्रमा खत्म हो चुकी है। तो अगर आप मथुरा वृंदावन की यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए 2 से 3 दिन काफ़ी होंगे। 2 से 3 दिन में आप आराम से इन सभी स्थानों को आराम से देख सकते हैं। और अगर आप मथुरा वृंदावन कैसे पहुँचे हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप किसी भी साधन से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ ट्रेन की फैसिलिटी भी है, आप बाय बस भी यहाँ आ सकते हैं, और अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं, क्योंकि नियर बाय एयरपोर्ट है आगरा, जो कि मथुरा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप बाय एयर भी मथुरा के लिए आ सकते हैं। और अगर बात करें स्टे फैसिलिटी की कि आप कहां पर सस्ते दाम में रुक सकते हैं, अच्छे होटल्स आपको कम बजट में कहां मिल जाएंगे, तो वो प्लेसेस हैं बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास में आपको कई सारे ऐसे होटल मिल जाएंगे जहां पर आपको 500 से 1000 रुपये में अच्छा से अच्छा रूम मिल जाएगा। अगर आप इससे भी कम चाहते हैं तो आपको कई सारी धर्मशालाएं भी मिल जाएंगी जहां पर आप और भी कम दाम में रुक सकते हैं। और अगर फूड फैसिलिटी की बात की जाए तो यहां आपको बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास कई सारे होटल्स, कई सारे ढाबे मिल जाएंगे जहां पर आप कम दाम में अच्छा खाना ले सकते हैं। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको बहुत सारे ऑटो कैब एक साथ ही नजर आएंगे, बहुत सारे अलग अलग रेट्स के ऑटो और कैब्स आपको मिलेंगे। आप चाहें तो आप जा सकते हैं 10 रुपये 20 रुपये के ऑटो में, जो कि हर जगह पे आपको एक एक करके बदलना होगा। चाहें तो आप एक कंटिन्यू ऑटो या फिर आप एक कैब कर सकते हैं, जो कि आपको पूरी मथुरा, गोकुल, वृंदावन सारी जो भी जगह हैं देखने के लिए वो पूरी दिखाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मथुरा वृंदावन में होली के आसपास और जन्माष्टमी के आसपास बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, यानी कि बहुत भीड़ रहती है। तो अगर आप क्राउड पसंद नहीं करते हैं, आप थोड़ा सा आराम से घूमना चाहते हैं, बजट फ्रेंडली घूमना चाहते हैं, तो आप इस टाइम को अवॉइड करके यहाँ पर यात्रा का प्लान कर सकते हैं। अगर आप आना भी चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर क्राउड ज़्यादा मिलेगा, आपको ज़्यादा चीज़ों के लिए पे करना पड़ेगा, क्योंकि क्राउड बढ़ने की वजह से आपके होटल के चार्जेस बढ़ सकते हैं, आपके फूड फैसिलिटी के चार्जेस बढ़ सकते हैं, आपके ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ये है मथुरा वृंदावन यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।